2014 से आज तक पिछले 7 साल में बीजेपी और वो दाढ़ी वाले बाबा ने इस देश को, इस देश की जनता का गला घोट के, इस देश के युवा का फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनकर, किसानों पे काले कानून ठोककर, इस देश की लोकतंत्र की हत्या करने का घिनौना काम किया। इस घिनौने काम को रोकने के लिए मैं इंडियन यूथ कांग्रेस का एक सिपाही, हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उसे शांत कराकर रहेंगे। हम सक्षम है करने में। 2014 के पहले नरेंद्र मोदी ने अपने कुछ उद्योगपति दोस्तों के, उनके पैसों के दम पर सबसे पहला जो काम किया था वो था मीडिया को खरीदना। 22 न्यूज चैनल खरीदे गए इस देश के, जिनका काम था कि दिन भर बीजेपी का फेक प्रोपेगेंडा टीवी पे दिखाया जाए, जिसके कारण देश के लोग गुमराह हो गए। देश के लोगों ने फेक प्रोपेगेंडा देखे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके उन्हें सत्ता पे लाया। आज नरेंद्र मोदी पिछले 7 साल से सत्ता में बैठकर देश को बर्बादी के राह पर ले जा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री कुर्सी, जिस कुर्सी पे किसी जमाने में इंदिरा जी, राजीव जी जैसे महान नेता हमारे बैठ के इस देश को तरक्की के राह पर ले जाते थे, इस देश की सेवा करते करते वो दोनों शहीद भी हो गए, वो दोनों कुर्बान हो गए इस देश के लिए।